दोस्तों आज सुरभि ज्योति करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई है। आज हर कोई सुरभि ज्योति के अभिनय को, उनके लुक को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। यहाँ तक कि लाखों करोड़ों फैंस हैं जो सुरभि ज्योति की एक झलक देखना चाहते हैं। नागिन 3 की बेला और कबूल है कि जोया बनकर फैंस का दिल जीतने वाली सुरभि ज्योति आज काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता हासिल कर चुकी हैं। लेकिन सुरभि ज्योति के पॉपुलर शो नागिन और कबूल है के अलावा भी सुरभि ज्योति को कई पॉपुलर शो ऑफर हुए थे, लेकिन सुरभि ज्योति ने उन पॉपुलर शो के लिए किसी न किसी कारणवश इनकार कर दिया। तो दोस्तों कौन से थे ये शो, इनके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फर्स्ट नंबर पे है दिव्य दृष्टि। सुरभि ज्योति को दिव्य दृष्टि में दृष्टि का किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन उस वक्त सुरभि ज्योति नागिन शो के फिनाले एपिसोड की शूटिंग में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी और यही कारण था कि सुरभि ज्योति ने इस शो को ठुकरा दिया था। सेकेंड नंबर पे है मेरी आशिकी तुमसे है। इस शो में सुरभि ज्योति को लीड एक्ट्रेस ईशानी का किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन सुरभि ज्योति को इस शो की स्टोरी कुछ खास पसंद नहीं आई, जिसके चलते सुरभि ज्योति ने इस पॉपुलर शो को ठुकरा दिया था। थर्ड नंबर पे है बहू बेगम। शो बहू बेगम में सुरभि ज्योति को कोह नूर का किरदार ऑफर हुआ था। यहाँ तक कि सुरभि ज्योति कोह नूर के किरदार के लिए मेकर्स की पहली पसंद भी थी, लेकिन सुरभि ज्योति उस समय टीवी इंडस्ट्री से दूर रहना चाहती थी और यही कारण था कि सुरभि ज्योति ने इस पॉपुलर शो को भी ठुकरा दिया था। फोर्थ नंबर पे है कवच 2। कलर्स टीवी पर प्रसारित हुआ सुपर नेचुरल शो कवच 2 में सुरभि ज्योति को संध्या का किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन सुरभि ज्योति ने इस शो को यह कहकर ठुकरा दिया कि वे फिलहाल किसी भी टीवी इंडस्ट्री के सुपर नेचुरल शो में काम नहीं करना चाहती। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सुरभि ज्योति ने इन शोज़ को ठुकरा कर सही किया या गलत, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।